रेहान तारहुन, ये तुम्हारे लिए आया है। उसे लेने दो, मेरी प्यारी मैंने पत्नी। कहा वापस दो। ओ बेचारी लड़की, हाँ ऐसा लग रहा है कि कई साल बीत गए, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। ओ, 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 बेचारा लड़का बहुत प्यार करता है, मैं शब्दों में अपनी तन्हाई बयां नहीं कर सकता। तुम्हारा पति कोई कवि है क्या? तुम्हें तुम्हारा लेटर वापस चाहिए? नहीं नहीं, रुक जाओ प्लीज। रुक जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? अपनी पत्नी के पीछे पागल हो गया है ये लड़का, क्या कर रहा है ये सब? दिमाग खराब हो गया है, दो दिन से घर नहीं आया। उस लड़की के अलावा किसी और की पड़ी ही नहीं है उसे। एमिर, तुमने देखा ना तुमने क्या कर दिया? हाँ, तुमने हमारे बेटे के साथ कितना बुरा किया है। जिस दिन तुम उस लड़की को हमारे घर में लेकर आए थे, उसी दिन हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। तुम जिम्मेदार हो इसके। मेरा बेटा बदल गया है, पता है तुम्हें? समझ नहीं आ रहा कि तुमसे क्या कहूं, क्या कहूं मैं तुमसे अब? तुम्हें ये सब क्यों कह रही हूं मैं? वो अब जब रेहान दीदी घर पर नहीं है तो मैं हिकमत अंकल के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, सोचा खिला दूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की? अब तुम ये सब करोगी? हाँ,
अब तुम हिकमत को ब्रेकफास्ट खिलाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अपनी औकात मत भूलो। रेहान दीदी, बस बहुत हुआ। रेहान रेहान रेहान, तुम्हारी प्यारी दीदी अब नहीं है यहाँ। देखो देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। मैं हूँ, और मैं तुम्हारा ये घटिया चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, निकलो यहाँ से। हमारी जिंदगी नर्क बनाकर रखती है, घटिया लोग। परेशान हो गई हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे घर में।